वाह भाई वाह, क्या बात है। सुनील ग्रोवर की हार्ट की सर्जरी हुई और इसमें गुणगान गाया जा रहा है सलमान खान का। सलमान खान और उनकी फाउंडेशन जो है बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, इसे लेकर मीडिया में जबरदस्त तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया ने ये बता रहे हैं कि कपिल शर्मा और सलमान खान ये दोनों बहुत शौक में हैं जब इन्होंने ये खबर सुनी कि सुनील का इलाज करवाया गया। लेकिन वहीं दूसरी मीडिया में ये खबर चल रही है कि इस इलाज का पूरा खर्चा, पूरा जिम्मेदारी सलमान खान और उनकी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने उठाया है। उनके डॉक्टरों ने जबरदस्त तरीके से इलाज किया है। खबर ये आ रही है कि जब तक सुनील ग्रोवर का ऑपरेशन चल रहा था, तब तक सलमान खान डॉक्टरों के संपर्क में लगातार कॉन्टेक्ट पर बने हुए थे। मतलब डॉक्टर्स ऑपरेशन कम और सलमान खान को लाइव जो खबरें हैं वो ज्यादा दिखा रहे थे। मतलब महाभारत में जिस तरह से युद्ध चल रहा था, तो धृतराष्ट्र को जिस तरह से स्टोरी सुना रहे थे संजय, उसी तरह की कुछ बातें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सलमान बड़े चिंतित थे, सलमान खान ने पूरा इलाज का खर्चा उठाया। देखिए, सलमान ने किया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इस चीजों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने की बड़ी वजह भी है क्योंकि सुनील ग्रोवर कोई गरीब इंसान नहीं है। जो इस तरह से बातें की जा रही है कि सलमान खान ने बीमारी का पूरा खर्च उठाया है, लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। लोगों ने कहा है कि सही बात है, अगर सलमान खान सुनील ग्रोवर का खर्चा नहीं उठा पाते तो सुनील ग्रोवर गरीब इंसान है, वो कहां से अपना इलाज करवा पाते जहां लाखों पर खर्च होने वाले हैं। किसी ने लिखा कि सलमान खान इस बात की जिम्मेदारी कब लेंगे कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है। किसी ने लिखा कि हिट एंड रन वाले केस में सलमान ने अभी तक जिम्मा क्यों नहीं उठाया। किसी ने लिखा है, एक ही तो जिंदगी मिली है सलमान भाई, हमारा कितना काटोगे। किसी ने लिखा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सलमान खान ने तो सांप का भी ऑपरेशन कराया था, जिस सांप ने सलमान खान को काटा था, और काटने के दौरान सलमान की चमड़ियां इतनी गेंडे जैसी मजबूत थी कि उस सांप का दांत तक टूट गया, इसीलिए सलमान खान के बॉडी के अंदर तक जहर पहुंचा ही नहीं था, सलमान ने उसके दांतों की भी सर्जरी। मतलब लोगों की थिंकिंग देखिए कहाँ कहाँ तक है। हालांकि ये जो इतना पॉपुलैरिटी देने की कोशिश की जा रही है, ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए। सुनील ग्रोवर कोई गरीब इंसान नहीं है।